खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, कोरोना से जुड़ी जानकारी आपको दे देते हैं कि कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी जो है सरकार की तरफ से कर ली गई है। सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि वो पूरी तरीके से तैयार है। 27 दिसंबर से हर अस्पताल में मॉक ड्रिल होगा। जांच निगरानी पर सभी राज्यों में सहमति बनी है। नए साल क्रिसमस के जश्न में मास्क अनिवार्य रहेगा, क्योंकि इस दौरान ज्यादा भीड़ लोगों की होती है, तो ऐसे में जब भीड़ भाड़ में जाएं तो मास्क जरूर पहने और सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करें। कोरोना महामारी से निपटने की तैयारी के तहत यहां पर 27 दिसंबर से हर अस्पताल में मॉक ड्रिल होगा और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, यहां पर कोरोना को लेकर सरकार का दावा है पूरी तरह तैयार हैं और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है, सभी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। अब मॉक ड्रिल जो है वो 27 दिसंबर से हर अस्पताल में होगा, तो ज़रा पूरी जानकारी इसको लेकर दे कि किस तरीके से इसको किया जाएगा, क्या इसका उद्देश्य रहेगा, क्या कुछ इसके तहत जो अधिकारी हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं उनको निर्देश दिए जाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश कोरोना महामारी से उत्तर प्रदेश के लोगों को बचाने के लिए तमाम प्रयास कर रही है सरकार। 27 दिसंबर को उत्तर प्रदेश के सभी अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल अपनाया जाएगा। मॉक ड्रिल के माध्यम से ये तैयारी की जांच परखी जाएगी कि स्वास्थ्य महकमा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए कितना तैयार है, क्योंकि आप समझिए कि नए साल पर पूरे प्रदेश और देश में जश्न होता है, तमाम भीड़ इकट्ठा होती है, उनको निर्देश दिए गए हैं बिना मास्क के कोई भी जश्न में शामिल नहीं होगा। इसके अलावा क्रिसमस है तो उसको लेकर भीड़ इकट्ठा होती है। आप समझिए कि चाइना में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो बेहद डराने वाली हैं और पूरा देश और पूरी दुनिया इस बात को लेकर चिंतित है कि आखिरकार कोरोना का नया वेरिएंट है ये किस तरीके से देश और प्रदेश के लोगों को प्रभावित करेगा। हालांकि स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। सरकार ने तमाम उत्तर प्रदेश के अस्पतालों को दिशा निर्देश दिए हैं कि बिना मास्क के एंट्री बंद कर दी जाए, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाए, खासतौर से बच्चे और बुजुर्गों को ताकीद किया गया है कि वो घर में रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने और लगातार जो कोरोना के बचाव के नियम है उनको अपनाने का काम करें। प्रीति, बिल्कुल, और क्योंकि मॉक ड्रिल यहाँ पर अब एक अगला कदम देखा जाएगा जिसके तहत ये देखा जाएगा, हालांकि अभी सरकार तो दावा कर रही है कि सभी अस्पताल पूरी तरह तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, लेकिन मॉक ड्रिल में एक तस्वीर सामने आ जाएगी कि कितने अस्पताल तैयार हैं, उसके बाद जो भी कमियाँ रहेंगी उनको दुरुस्त करने का काम जो है वो अधिकारियों की तरफ से किया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर ये भी हम जानना चाहेंगे संजीव जी, क्योंकि अब वैक्सीनेशन की बात जो है वो उस पर फोकस किया जा रहा है और बूस्टर डोज जो पहले रह गई थी उसको अब कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इस वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाने के लिए, गति देने के लिए सरकार की क्या तैयारी देख पा रहे हैं अस्पतालों में या कैंप के जरिए? देखिए प्रीति, जब कोरोना की तीसरी वेव थी पूरी दुनिया में तब वो उतनी खतरनाक नहीं थी, यही वजह है कि लोग लापरवाह हो गए और जो बूस्टर डोज लगनी थी उसमें कहीं ना कहीं लोगों ने कोताही बरती। यही वजह है कि अब जब कोरोना का नया वेरिएंट आया है तो उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अब बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत है। आप परसेंटेज की बात करें तो मात्र 23% लोगों ने उत्तर प्रदेश में बूस्टर डोज लगवाया है, तो ये जो आंकड़ा है बहुत कम है। सरकार लोगों को अवेयर कर रही है, लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है कि आप अपने नजदीकी अस्पताल पर जाइए, बूस्टर डोज लगवाइए और कोरोना के जो नियम है, क्योंकि कोरोना का जो इलाज है वो बहुत बेहतर नहीं है, इसको जानकारी ही बचाव है, सुरक्षा ही बचाव है, सैनिटाइज हाथों को करते रहना चाहिए, तमाम चीजें हैं जिसको लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछली बार आप देखिए सरकारें लगातार लोगों से अपील करती थी कि जानकारी ही बचाव और लगातार जो नियम है कोरोना के उनको लेकर लोग सतर्क रहें, हाथों को सैनिटाइज करें, मास्क पहने, भीड़ भाड़े वाले इलाकों पर ना जाएं, ये तमाम चीजें हैं, जनता का सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। सरकार अपनी तरफ से बिल्कुल संजीव जी, क्योंकि 3 दिन हो चुके हैं सरकार की बैठक के बाद दिशा निर्देश आए हुए, तो ऐसे में लोगों के बीच में कितनी अवेयरनेस अब देखने को मिल रही है, क्या लोग अब जागरूक सतर्क हो गए हैं, नियमों का पालन कर रहे हैं या अभी कहीं ना कहीं बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं, इंतजार है प्रशासन कब सख्ती दिखाए? देखिए अभी तो लोग लापरवाह है पूरे तरीके से। हम शहरों की बात करें, राजधानी लखनऊ की सड़कों की बात करूं तो मुश्किल से 1-2% लोग ऐसे मिलेंगे जो मास्क पहने हैं, 1-2% लोग ऐसे हैं जो अवेयर हैं। हालांकि अभी लोगों को इस बात को लेकर संशय है कि आखिरकार कोरोना अभी प्रदेश और देश में आया है कि नहीं आया है, तमाम तरीके के लोगों के दिलों में
और दिमाग में सवाल है, लेकिन जिस तरीके से सरकार की तैयारी है और जिस तरीके से चाइना, जर्मनी, जापान और पश्चिम के देशों से तस्वीरें आती हैं वो डराने वाली हैं, और लोगों को इसमें जागरूक होना चाहिए। खास तौर से हम अपने चैनल के माध्यम से भी प्रदेश और देश के लोगों से अपील करेंगे कि कोरोना के जो नियम है उनका पालन करें, मास्क पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर जाने से बचें और बच्चों को खास तौर से ख्याल रखें। बिल्कुल, और क्योंकि जब भी कोरोना की दस्तक आती है तो एक कहीं ना कहीं लोगों के मन में लॉकडाउन का जो डर है वो देखने को मिलता है, और ऐसे में जो दूसरे राज्यों में काम करने गए हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं सोचते हैं कि अभी से वापस लौट जाए, क्या पता हालात बिगड़ेंगे तो उस दौरान नहीं जा पाएंगे। तो क्या इस तरीके की भी कोई तस्वीर इस वक्त उत्तर प्रदेश में संजीव जी देखने को मिल रही है? क्या लोग वापसी कर रहे हैं या यहाँ के प्रवासी अपने अपने राज्यों में जा रहे हैं? देखिए, परिवहन विभाग के आंकड़ों की बात करें तो पिछले दो दिनों में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है तो इस बात की तस्दीक करती है कि लोगों ने अपने घर आना शुरू कर दिया है। और खास तौर से बात यह है कि जो व्यापारी हैं उत्तर प्रदेश के, उनमें बहुत बेचैनी है इस बात को लेकर कि पिछले दो साल उनके कितने खराब रहे, व्यापार किस तरीके से चौपट हुआ। खास तौर से छोटा व्यापारी, दुकानदार, पटरी वाले, रेहड़ी वाले, छोटे व्यापारी, छोटे दुकानदार, छोटे जो व्यापार करने वाले लोग थे वो ज्यादा प्रभावित हुए थे। रोजमर्रा की जो जीवन यापन कमाने वाले लोग हैं उनका बिल्कुल पूरी तरीके से व्यापार चौपट हो गया था, उनमें बहुत बेचैनी इस बात को लेकर यह है कि आखिरकार कोरोना बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा तो लॉकडाउन तो नहीं लगेगा। उत्तर प्रदेश के लोग जो बाहर नौकरियां करते हैं, मजदूरी करते हैं, उन लोगों से उनके परिवार वालों ने संपर्क करना शुरू कर दिया है। लोगों में इस बात को लेकर बेचैनी है कि कोरोना बढ़ेगा तो आप वहां पर फंस जाएंगे, वापस आ जाएं। तमाम इस तरीके के छात्र हैं जो दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में अपनी पढ़ाई करते हैं, उनको बुलाना शुरू कर दिया है। ये जो बेसिक तैयारियां हैं परिवार के लोगों ने शुरू कर दी है। प्रीति जी, शुक्रिया संजीव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, लोगों के बीच अभी फिलहाल अवेयरनेस कम है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जरूर सतर्कता बरतते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लोगों से यही अपील है कि अभी से ही समय रहते जो है वो सतर्कता बरती जाए, सावधानी बरती जाए और जो नियम है उनको फॉलो किया जाए।